यदि स्वयं भगवान भी इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उन्हें भी अपना कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात इस धरती को छोड़कर जाना होता है। भगवान विष्णु ने भी राम का अवतार इसीलिए लिया था। जब उन्होंने अपने मानव रूप से सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया तथा धरती पर उनकी आयु का समय समाप्त होने को आया, तब उन्होंने जल में समाधि लेकर पुनः अपने धाम लौट जाने का निश्चय कर लिया था। जल में समाधि लेने से पूर्व श्री राम ने एक योजना के तहत अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया था। श्री राम के द्वारा स्वयं का त्याग किए जाने के कारण लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। साथ ही श्री राम ने अपने तथा अपने सभी भाइयों के पुत्रों में अयोध्या तथा समस्त भारतवर्ष के राज्यों का बंटवारा कर दिया था। इसके बाद देह त्याग की आज्ञा लेने के लिए श्री राम अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। श्री राम ने अपने राजगुरु महर्षि वाल्मीकि जी से आज्ञा ली तथा सरयू नदी में समाधि लेने के लिए निकल पड़े और फिर उनका महाप्रस्थान देखने के लिए पूरी अयोध्या वासी देवी देवता और गंधर्व भी वहाँ एकत्रित हो गए थे। भगवान श्री राम सरयू नदी में प्रवेश किया तभी आकाश मार्ग में भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तथा उन्होंने भगवान राम से चतुर्भुजधारी विष्णु रूप लेने को कहा और फिर भगवान श्री राम ने अपना विष्णु रूप ले लिया तो आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी और फिर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देवता भी वहाँ आए। इसके बाद भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर जाकर बैठ गए तथा भरत शत्रुघ्न को अपने अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख ने भरत और शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया था। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने लंका के राजा विभीषण को प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने को कहा तथा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने का आदेश दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने हनुमान को कलयुग के अंत तक जीवित रहने तथा श्री राम के कथा द्वारा लोगों को प्रेरणा देने का आदेश दिया था। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं वह अभी मेरे साथ समाधि लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उत्तम लोक प्रदान करें। इस पर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जो भी आपका सच्चा भक्त है तथा इस सरयू नदी में समाधि लेना चाहता है उन्हें संतानक लोक में स्थान मिलेगा। यह लोक स्वर्ग लोक से ऊपर तथा ब्रह्म लोक के निकट है। इतना सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर अपने धाम चले गए। इसके पश्चात मंत्री सुमंत और राजा सुग्रीव तथा मित्र केवट ने जल समाधि ले ली। इसके बाद भगवान श्री राम के अन्य भक्तों ने भी सरयू नदी में एक एक करके समाधि ले ली। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अंत में अपना देह त्याग दिया तथा अपने सभी भक्तों को अपने साथ लेकर अपने धाम लौट गए और वहाँ माता लक्ष्मी पहले से ही उनका प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम के देह त्यागने के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने अयोध्या का राज सिंहासन संभाल लिया और प्रभु राम के भाइयों के पुत्रों ने अन्य राज्यों को संभाला। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि प्रभु राम और माता सीता के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और भी जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।